अम्मा, आज जब समाह यूनिवर्सिटी से वापस आए ना, तो उससे पूछिएगा जरूर कि कल वो किस दोस्त की बर्थडे पार्टी पे गई थी। क्या मतलब? अम्मा, आपको इन किचन के काम और घर के कामों से फुर्सत मिले तो आपको पता चले ना कि आपकी औलाद क्या गुल खिलाती फिर रही है। कहना क्या चाहती हो? साफ क्यों नहीं कहती? अम्मा, ये बिल्कुल भी मुनासिब वक्त नहीं है कुछ भी बात करने या सुनने का। मैं तभी आपसे कह रही हूँ, जब हम दोनों यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए ना, तब समाहा को बिठाकर फुर्सत से पूछिएगा कि वो आखिर चाहती क्या है। मैंने तो तुम लोगों की वजह से तुम्हारे अब्बा से तुम्हें इजाजत दिलवाई थी, मगर तुम लोगों ने तो हद कर दी। एक तो बिना अबाई के चली आ रही थी, रिक्शे से उतरी, वो भी अपने अब्बा के सामने। अम्मा, मैंने कोई हद नहीं की। अच्छा, उसकी वजह से हुआ है, मुझे कोई इल्जाम मत दे। कहीं तो तुम दोनों साथ थी ना, अब सारा इल्जाम उस अकेली पर धर दो। अम्मा, मैं जाना ही नहीं चाहती थी, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई है। मैंने तो मना कर दिया था पहले। अच्छा, बस खामोश हो जाओ। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो गजब हो जाएगा। रात से वैसे ही गुस्से में। ये किसका है? ये कल रात जो ड्राइवर गाड़ी ने लड़कियां लेके आया था उनका है। रुको सुदेश, सुदेश रुको, कहाँ जा रहे हो? हेलो, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है। सुदेश, करो भी खुद, और एंड में ना अपना मूड भी तुम खुद ही खराब करो। मैंने क्या किया है? रात से मुझे बोले जा रहे। भूलो मत कि तुमने क्या किया है, इतनी भोली नहीं हो तुम। मैंने क्या किया है? अपने माँ बाप को धोखा दिया था, उसी वजह से हमारे साथ वो सब कुछ हुआ। जो हुआ वो सज्जल की वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं। समाहा, तुम्हें जरा भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना? मैं इसमें इज्जत कहाँ से आ गई? सुदेश ने भी तो अपनी गाड़ी भिजवाई थी, हमें इतनी इज्जत से बुलाया था। देखा था मैंने, और वही सुदेश अपने घर वालों के आगे कैसे कमजोर पड़ गया था, कुछ नहीं बोल सका वो। ये नहीं भूलो, उसने हमारी वजह से अपनी बहन को थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें समझाना ना कुछ भी फजूल है। शुक्र करो आज अब्बा ने यूनिवर्सिटी आने दिया, और ये अम्मा के हमें पुराने अबाई मिल गए। इन अबाओं से कब जान छूटेगी हमारी? पता नहीं लोगों की गैरत कहाँ जाकर सो जाती है। इतना कुछ हो गया रात को, शर्म से डूब नहीं मरा कोई। लोगों की जगह मैं होती ना तो कभी किसी को अपनी शक्ल ना दिखा पाती। सोचो अगर तुम्हें अपनी पार्टी से कोई धक्के मारकर बाहर निकाल दे तो क्या इज्जत रह जाए तुम्हारी। हाँ ये तो है। वैसे लोगों को बड़ा शौक होता है दूसरों की पार्टीज में बिना बुलाए चले जाने का, औकात चाहे दो कौड़ी की ना हो। तुम्हारी औकात क्या है ये मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, समझी? तो दिलाओ ना, यहीं पर खड़ी हूं मैं, बताओ। अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द, और फिर तुम गिड़ गिड़ा के मुझसे माफी मांगोगी। माफी माय फुट, औकात क्या है तुम्हारी, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सुदेश को फंसाकर अपने छोटे जैसे दड़बे से घर से निकल के हमारे घर में आना चाहती हो ना तुम, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। बस करो सज्जल, वो जा चुकी है, सब लोग भी देख रहे हैं। देखते हैं तो देखते रहे, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। सबको पता चलना चाहिए इसकी औकात क्या है।